स्वागत है एक नए वीडियो में। तो आज हम लोग ड्रॉप टेस्ट करने वाले हैं इन दो कार का, जो कि है एक ही कंपनी की कार और अलग अलग मॉडल है। तो ये है अपनी लेजेंडर और ये है अपनी फॉर्च्यूनर। तो देखते हैं कौन सी ज्यादा मजबूत रहती है और कौन सी ज्यादा टूटेगी। अब तो भाई चलिए भाई अभी शुरू करते हैं। पहले तो हमें ले जाने वाले है ये वाली मतलब नॉर्मल अपनी फॉर्च्यूनर ले जाएंगे। फॉर्च्यूनर से हम शुरुआत करते हैं और फॉर्च्यूनर के बाद आएगी अपनी लेजेंडर। जल्दी से चलते और देखेंगे कि क्या होने वाला है। तो गाइस इधर मैं खड़ी कर देता हूँ और अभी 3, 2, 1 एंड गो। भाई साहब चलो 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 लेट्स गो गाइस। लगता नहीं है गाइस ये बचने वाली, क्योंकि अभी उल्टी हो चुकी है। और नहीं 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 ओ भाई साहब उल्टा बच गई गाइस। देख सकते हो आप भाई साहब बच गई है यार। ये तो इसका तो सिर्फ यार टायर, अरे इसका कुछ टूटा यार, मैंने देखा क्या है वो। अरे अरे ओके 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 गाइस इसका बैक पैनल टूट पैनल नहीं होता वो क्या बोलते हैं वो बैक वाला, हाँ बैक डोर गाइस वो टूट चुका है। और ये रहा वो आधा ही टूट गया यार। तो अब बारी है गाइस लेजेंडर की। उस तो ऑलराइट गाइस तो मैं लेजेंडर के बाद आ चुका है। वो अब बारी है गाइस लेजेंडर के कूदने की। यार क्या होता है देखने वाले बात रहेगी लेजेंडर कूदने के बाद। फॉर्च्यूनर की तरह ही हमने इधर रोक ली है और अभी करते हैं 3, 2, 1 एंड गो। और भाई चल गई। और अब देखने वाली बात रहेगी कि किसका यार टूटने वाला है यार। मेरे को तो लगता है ये पूरी जाएगी या फिर बच भी जा सकती है दो। और भाई साहब अरे भाई साहब यार अरे नाइस भाई नाइस गाइस। अब प्रॉब्लम हो चुकी है, अभी हमें उतरना पड़ेगा। तो गाइस अब हमें बुलानी पड़ेगी जेसीबी, क्योंकि ये हो चुकी है उल्टी। मतलब यार दोनों फॉर्च्यूनर कैपेबल मींस कैपेबल है। मतलब मैंने जेसीबी को बुला लिया है और अभी गाइस बैठते जेसीबी में और करते हैं गाड़ी को सीधा। जेसीबी ना उड़ जाए यार पीछे से, मेरे को ये बात उठ गई गाइस। जैसे भी पीछे से उठ गई गाइस डन। आप देख सकते हो कि इसका भी सिर्फ बैक वाला डोर टूटा है। डोर क्या इसको क्या वो बूट जैसा कुछ कहते हैं वो टूटा है। बाकी गाइस इस पर कुछ नहीं हुआ है, जब देख सकते हो कुछ नहीं हुआ है। जैसे फॉर्च्यूनर टूटी थी वैसे ही है और तो कुछ है नहीं। तो आप देख सकते हो इसका कुछ भी ऐसा मतलब फॉर्च्यूनर जैसे ही बैक पैनल टूटा है। तो गाइस आप साइड बाय साइड देख सकते हो फॉर्च्यूनर का क्या टूटा है और अपने लेजेंडर का क्या टूटा है। तो आप देख के बताना गाइस कौन सी वाली ज़्यादा अच्छी है, मतलब कि कौन सी वाली ज़्यादा मतलब कम टूटी है। मेरे को तो दोनों ही सेम लग रही है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड बाय बाय।